पिछले साल भी था, तो कहीं कोई उस तरह की समस्या नहीं आती है। सब लोग यहाँ पे मिलजुल के करते हैं और जो भी अलग अलग जगहों पे ईदगाह और मस्जिद पे जो समय है उसके हिसाब से हम लोग बल की तैनाती करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। वो आप लोग खुद में ही इतना बेहतरीन तरीके से करते हैं, जयनगर का माहौल उस तरह का है, कभी वैसा हुआ नहीं। लेकिन पिछले बार ईद में जो अभी 2 महीने पहले लगभग हुआ है, कुछ एक ऐसी घटना हो गई जिससे थोड़ा प्रशासन को भी शर्मसार होना पड़ गया देख करके कि ऐसा मतलब क्यों कर रहे हैं लोग ईद के दिन। तो कुछ भेलवा टोल और इस्लामपुर के लोग एक ही जगह पे कॉमन जगह पे नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ कोई छोटी सी बात थी, चंदा इकट्ठा करना या जो भी मसला था उसको लेकर के वहाँ कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि तो जाना जाता है कि ईद बकरीद ये सब शांति का त्यौहार है, लेकिन उसमें फिर आपस में ही उलझ गए 2 अलग अलग जगहों के लोग, 2 टोले के लोग। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा वो, हालांकि बाद में वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो दोबारा, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। और बाकी जो भी आप लोग की तरफ से अगर कुछ फीडबैक है कि हाँ कुछ हम लोग की तरफ से अतिरिक्त सहयोग चाहिए या फिर कुछ भी इस तरह का मैटर हो तो आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बताइए हम लोग को, हम लोग की तरफ से क्या हम लोग कर सकते हैं। और तो कहीं ऐसा मसला नहीं है वो चंदा वंदा को लेकर का है मसला, और कहीं का मसला भेलवा टोल और इस्लामपुर में क्या कमेटियां बनी थी कुछ बोलना चाहिए बताइए। बोली बोली मेरा नाम अभिषेक हुआ था सर। यह है कि भेलवा टोल इस्लामपुर या इस्लामपुर भेलवा टोला ही की अंग है, मोहल्ला से नाम पड़ गया भेलवा टोला और इस्लाम। सदा से सर परंपरा से हम लोगों को होता आया है कि हम लोग उसी ईदगाह में सब मिल कर नमाज पढ़ते थे और शुरू से जो भी चिंता चंदा चिता होता था हम लोग मिलजुल के सब कर लेते। ये 2 साल से सर ईदगाह की सजावट में कुछ ज़्यादा खर्च आ जाता है, जिसमें दोनों मोहल्ला के लड़के लोग कमिटी बनाए हुए हैं देख रेख खर्चा पानी के। कौन कौन सी कमेटी है? गरीब नवाज कमेटी है सर। अच्छा, और वो गरीब नवाज कमेटी भेलवा टोल का? जी जी। अच्छा, तो दूसरी कमेटी फिर इस्लामपुर बनाम भेलवा टोला के कुछ लड़के लोग ईदगाह कमेटी भी बनाई। नाम क्या है? ईदगाह कमेटी। उसमें इस्लामपुर के लड़के? जी, दोनों लड़के। समस्या क्या आई थी? क्या समस्या सर? इस बार समस्या कुछ नहीं है यहाँ तो लोगों में। मैं किसी को व्यक्ति से मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि भेलवा टोला सबका अलग लगता है। कुछ उसको सजाते हैं, बाकी जो ईदगाह में जो चंदा आमदनी आता है ताकि उसका विकास हो। तो जहाँ कुछ आदमी का मंशा ये है कि हम सब दिन जमीन पर नमाज पढ़े आए, हम तिरपाल जादी पर नमाज क्यों पढ़े, इतना व्यवस्था बात क्यों? यही बात के लिए सुनिए। आज 2 साल से हम लोग 30-35 हज़ार रुपया हमारा ईदगाह, देखिए आप वीडियो पे भी पत्रकार से देख लीजिए कि डिप्रेशन में कितना खर्चा। बाकी जो पैसा ईदगाह में जो आदमी चंदा लिखाता है विकास के लिए, आज हमारा ईदगाह देखिए भेलवा टोला का ईदगाह 10 साल से पड़ा हुआ, वो चीज नहीं भा रहा कि आज लड़का लोग तैयारी किया है तो बाउंड्री बाल किया है। तो ये चीज सोचा है कि नहीं हो मनरेगा के तहत मुखिया से पैरवी करके हम उसको भरवाए। कहाँ है गार्जियनशिप का? गार्जियनशिप सब आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, आपस में अपना अपना मतभेद कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई नए लड़के हैं, हम लोग अपने से अपने अपने खर्च से 1-1 हज़ार रुपया देंगे, 30 हज़ार रुपया हो जाएगा, डिप्रेशन करें, साल में एक बार पर्व आता है, शांति माहौल पैदा करके हम लोग सोचते पर्व करें, 2 मरतबा से हुआ है।